नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आप देख सकते हो ये एक बुलेट कैमरा है, ठीक है, रिपेयर करने के लिए आया है, जो कि AVI के कंपनी का है। तो इसे प्रॉब्लम के मैं इसे लगाया हूँ, उसमें पावर दिया है मैंने और डिस्प्ले भी लगाया। पर यहाँ पे देखिए, ये मेरा DVR है CP+ का, लेकिन इस पर कोई भी वीडियो कोई भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको इसका एक बार एडेप्टर भी चेक करवा के दिखा देता हूँ। ठीक देखिए, एडेप्टर पे 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये इस पे लगाते ही ये कोई भी पावर या कोई भी डिस्प्ले इस पे नहीं आ रहा है। इस पे हाथ लग रखता हूँ तो इस पे कोई आवाज़ भी नहीं आता, ठीक है। बाकी नॉर्मल में कैसा आता है, ये एक्चुअली काफ़ी दिनों से ऑफिस में पड़ा हुआ था, ख़राब था, टूट गया था, तो कोई रिपेयर वाला था नहीं इस पे, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो अभी भी आपको दिखा देता हूँ, कोई डिस्प्ले नहीं आया नहीं है इसमें, ठीक है। तो काफ़ी आवाज़ कर रही है टों टों करके, तो मैं इसे एक बार बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसे अब रिपेयर कैसे करना है आज हम वो देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। इसे आई थिंक से, हाँ इसे ऐसे ही खोलेंगे। अब देख सकते हो पूरा धूल मिट्टी भरा हुआ है इसमें, अभी तक साफ भी नहीं हुआ कभी। तो मैं इस पर एक बार ठीक है, एडजस्ट चालू कर देता हूँ और एक बार पूरे ठीक है। और एक बार मैं इसे भी, अब इनको भी खोलेंगे हम। तो इसे खोल दिया है, इसे खोल दिया है, हालांकि इसके कंपोनेंट तो ऐसे ही दिख रहे हैं हमको, ज़्यादा मुझे लगता नहीं डिटेल में खोलने की ज़रूरत है। बट एक बार हम इसे ऐसे फिर भी खोलेंगे और चेक करेंगे इसके नीचे भी कुछ कंपोनेंट्स हैं या नहीं है। सबसे पहले हम एक कॉर्नर को खोलेंगे, कॉर्नर से नीचे भी है शायद, अभी तक मुझे भी पता नहीं है इसके बारे में। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या है इसमें और क्या क्या हमें रिपेयर करना है। ओके, तो देख सकते हैं ग्लास वगैरह भी बहुत गंदा है, तो हम इसे भी साफ कर लेंगे। मेरे इसमें चिपक गया। ओके गाइस, तो इससे भी मैं हटा देता हूँ, साइड में रख दे रहा हूँ। और तो इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। नीचे भी देख सकते हो कुछ कंपोनेंट है नहीं, जो है कचरा ही है। और जो है इसमें रिपेयरिंग करने जैसा वो सिर्फ यहाँ पे, ये ऊपर ही है, तो हम इस पे ही काम करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हम चाहिए तो फिर से इसे फिट कर देते हैं, लगा देते हैं। सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसे लगा देंगे हम। और इसे फिट भी कर देते हैं, क्योंकि हमें इतना डिटेल में खोलने की ज़रूरत नहीं थी इस पे, लेकिन फिर भी हमने खोल दिया देखने के लिए कि क्या है इसमें। और मैंने भी अभी तक इसको खोला नहीं कभी, तो
तो इसलिए थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जितने स्क्रू था हम इसे वापस से लगा देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इस पर। जो भी है नॉर्मल यहाँ पे चेक करना है और वहाँ पे इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देना है। ठीक है, ये हो चुका है और इसे भी मैं लगा ही देता हूँ। यहाँ पे लगा रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसे हटा देते हैं और सारे कंपोनेंट को एक बार चेक कर लेंगे हम। तो मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा इसे जूम कर लूँगा मैं, ताकि आपको भी अच्छे से दिखा सकूं इसके कंपोनेंट्स को। ओके, तो ये आईसी है, ठीक है। लेकिन सॉरी, मेरा मल्टीमीटर भी काफ़ी मुड़ गया है। तो इन आईसीओ को सबसे पहले हम चेक करेंगे क्रॉस में। क्रॉस पे इस तरह से चेक करने से बीप वगैरह नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। ये डायोड है, ये कॉइल है, ठीक है, इस पर बीप आ रहा है, ये कॉइल है। कुछ है नहीं, ओके। उसके बाद इसे चेक कर लेंगे, ये भी डायोड है, बीप आ रहा है, लेकिन फिर भी इस पे ओम सा दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो देखिए, बीप साउंड आ रहा है लेकिन ओम शो कर रहा है, तो ये खराब नहीं है। सॉरी, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये कॉइल है इसका, ये ब्लैक कलर में, ठीक है, ये वाला, तो ये इसका कॉइल है। उसके बाद ये डायोड है, तो इसमें खराब तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, इसमें गाइस खराब तो कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे। ओके, तो एक कंपोनेंट देखिए अभी गिरा, ठीक है, इसे मैंने जब ऐसे किया तभी एक कंपोनेंट गिरा। ये कैपेसिटर है इसका, ब्राउन कलर का, एक बार इसे चेक कर लेते। ये आई थिंक से यहाँ पे था, ये देखिए यहाँ पे से निकला हुआ है, दिख रहा है, तो आई थिंक से ये यहाँ पे था, तो इसे एक बार चेक कर लेंगे हम। ओके, तो ये शॉर्ट था, और इसे यहाँ पे चेक करेंगे तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये आई थिंक से ये कैपेसिटर यहाँ पे था, जब मैंने इसे उठाया तो ये गिरा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे, मैं लेके आता हूँ, वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, इसमें कैपेसिटर निकाल लिया इसे, ठीक है, तो इसे एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ मैं। इसे चेक करने के लिए मैं बुक ले लेता हूँ। ओके, एंड तो आप देख सकते हो कोई शॉर्टिंग नहीं है, और जो इसके पहले मैंने कैपेसिटर निकाला था, भाग रहा है।
ये शॉर्ट है, मल्टीमीटर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखेगा। ये शॉर्ट है और इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो हम इस कैपेसिटर को लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना आयरन भी चालू कर लेता हूँ। तो दोस्तों आयरन को गर्म कर लिया और हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर करेंगे। ठीक है, और अब हम इस कैपेसिटर को ट्वीज़र से लगाएंगे। सॉरी, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे आयरन से बैठाने में, लेकिन ये आयरन से एक्चुअली अच्छे से बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा हम शोल्डर डालेंगे यहाँ पे। और ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। ठीक है, फिर देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये बैठ चुका है और अब हम इस पे इसके कनेक्शन को लगा देंगे। हालांकि ज़्यादा मेहनत तो नहीं है इसमें, बिल्कुल टाइम पास जैसा था, बट देख लेते हैं। नसीब चलो कंपोनेंट ख़राब निकला, अपने आप ही गिरा था। एक्चुअली शायद पहले से गिरा था, शॉर्ट हो रहा था उसमें, इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा था। तो हम इसे पैक कर देते हैं। और अब मैं इसे ऑन कर देता हूँ, तो गाइस देखिए इसमें से आवाज़ आया। ठीक है, अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। ये देखिए लाइट भी इसका जल रहा है, सब लाइट नहीं जल रहा है लेकिन कोई कोई लाइट इसमें जल रही है। देखो अभी अंधेरे आने पे, और जैसे चालू होगा इसकी लाइट चली जाएगी। देख लेते एक बार डिस्प्ले भी इसमें आया कि नहीं। सो गाइस ये देखिए DVR में कैमरा ऑन हो चुका है। एक मैं दिखा देता हूँ एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। मैं अभी इसे हाथ हिलाता हूँ, मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसे जैसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये वैसे रोटेट हो रहा है इसमें। तो गाइस इसमें और कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं तब तक ले अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।